नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो क्या आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट है और आप उसको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि चेंज करना चाहते हैं? तो यहां पे इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप कैसे आपका SBI अकाउंट जो है उसको ऑनलाइन दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका फायदा यह होगा दोस्तों, अगर आप कहीं पे ट्रांसफर लेते हैं या फिर आपका होम जो है शिफ्टिंग करते हैं किसी दूसरे जगह में, तो इस प्रोसीड्योर को यूज करके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अकाउंट है आप उसको आसान तरीके से आपके ब्रांच में, आपके नियरेस्ट ब्रांच में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जानने के लिए कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूं पार्थ आपके साथ। तो यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप SBI अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे ब्रांच में, तो आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरी है। नेट बैंकिंग में आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहां पे जरूरत पड़ती है दोस्तों, और उसके साथ साथ आपका मोबाइल जो है ब्रांच में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको फाइनली एक OTP आएगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे ब्रांच को। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन SBI अकाउंट दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने का तरीका जो है ये सबसे अच्छा है दोस्तों। आपको अगर आप किसी भी वजह से आपका अकाउंट जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे ब्रांच में, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, आप ब्रांच में विजिट करके वो एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं आपको वहाँ पे मतलब फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेवा अवेलेबल होने के बाद ये जो प्रोसीड्योर है बिल्कुल ईजी है दोस्तों। आप 1-2 मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट है आप दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले www.onlinesbi.com पे विजिट करें। विजिट करने के बाद पर्सनल बैंकिंग के अंडर आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा दोस्तों, उसको यूज़ करके आप यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहां पे आपको बताऊंगा दोस्तों आप कैसे आपका SBI अकाउंट जो है दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद यहां पे ऊपर आपको दिखाई देगा दोस्तों ई सर्विसेज पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों, वो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ट्रांसफ़र अप सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, वो ऑप्शन पे क्लिक करें, ट्रांसफ़र अप सेविंग अकाउंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास 2-3 SBI अकाउंट है तो आपको वहाँ पे मैन्युअली चूज करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे केस में एक ही अकाउंट है तो ये ऑटोमेटिकली वो अकाउंट जो है सिलेक्ट हो गया है दोस्तों। होने के बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ब्रांच कोड पूछा जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ब्रांच कोड यहाँ पे दे दे दोस्तों। देने के बाद यहाँ पे गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करना है। तो पहले आप ब्रांच कोड दें, उसके बाद गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करें दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, सिलेक्टेड ब्रांच कोड नॉट एलिजिबल फॉर अकाउंट ट्रांसफ़र, प्लीज़ प्रोवाइड द डिफरेंट ब्रांच कोड। तो अगर ऐसा एरर आएगा तो आप ये अकाउंट जो है आप उस ब्रांच में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं दूसरा नियरेस्ट ब्रांच जो है ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे केस में और एक ब्रांच हम ढूंढेंगे दोस्तों, नियरेस्ट हमारे क्या है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ब्रांच कोड जो है देके हम गेट ब्रांच नेम करेंगे तो हमारा ब्रांच नेम जो है आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। आपका अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद आप जहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ब्रांच का कोड, ब्रांच नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो सारे कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म बटन में क्लिक करें। तो जैसे कि मुझे अभी अकाउंट जो है ट्रांसफ़र नहीं करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा दोस्तों। वो OTP अगर आप यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं तो आपका ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र जो है यानी कि ब्रांच चेंजिंग के लिए आप जो एप्लीकेशन किए हैं वो ऑनलाइन हो जाएगा दोस्तों। आपको एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली आप ऑनलाइन के जरिए आपका जो ब्रांच है यानी कि आपका SBI अकाउंट जो है दूसरे ब्रांच को ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट जानकारी, आप कैसे आपका SBI अकाउंट जो है उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे किसी ब्रांच को। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।